वेलकम टू कपिल एजुकेशन चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र में जो वैकेंसी फॉर्म फिलिंग के बारे में। और इससे पहले कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। न्यू केएलई रिसाइकल बोर्ड मुंबई में जो फॉर्म एप्लीकेशन होने वाले थे जो आज से स्टार्ट हो गए हैं 1/7/2022, लास्ट डेट 31/7/2022 रहने वाली है। तो हम बात करते हैं फॉर्म कैसे फिल करना है। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको साइन अप पर जाना पड़ेगा और एक बात का खास कर ध्यान रखना है, फॉर्म फिल करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को केयरफुली रीड कर लें। उसके लिए नोटिफिकेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले आपको ईमेल आईडी, नाम, डेट ऑफ बर्थ, स्टेट ऑफ बर्थ चूज करना है। तो इसमें डालेंगे ईमेल आईडी, उसके बाद फ्रेंड्स हम डालेंगे नाम, सब कैपिटल लेटर में डालना है। उसके बाद फ्रेंड्स डालेंगे इसमें डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद स्टेट ऑफ बर्थ डालेंगे, राजस्थान को राजस्थान डालना है। आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन कराना है, कर रखा है तो यस करना है और एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालना है। मैंने नहीं करा रखा है, मैं नो करूँगा। उसके बाद हम डालेंगे इसमें कैप्चर कोड फ्रेंड्स, CA88, उसके रजिस्टर कर देंगे। तो फ्रेंड रजिस्ट्रेशन हो गया सक्सेसफुली और जो हमारी इंफॉर्मेशन है मेल पर सेंड कर दी गई है। इसके लिए अब हम आगे जाएंगे और करेंगे लॉगिन। उसके लिए हमें अपना मेल आईडी डालना पड़ेगा और पासवर्ड फिल करना पड़ेगा। पासवर्ड जो है आपके मेल आईडी पे आ गया है, जाकर अपनी एक बार मेल आईडी चेक करें और पासवर्ड डालना है इसके अंदर। और फ्रेंड्स कैप्चर कोड डालना है इसके बाद और लॉगिन करना है। आगे फ्रेंड्स आपको करंट जो पासवर्ड आया होगा आपके मेल आईडी पे वो डाल देना है इसमें। करंट जो पासवर्ड आपके मेल आईडी पे आया है वो फिल करना है। उसके बाद जो आप पासवर्ड बनाना चाहते हैं करंट पासवर्ड वो डाल सकते हैं, आपके हिसाब से जो भी आप अपना पासवर्ड बनाना चाहते हैं फ्रेंड्स वो अपना आपको अपना पासवर्ड फिल करना। और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसी न्यू नोटिफिकेशन और न्यू डिटेल के लिए। तो फ्रेंड्स आपका हो गया ये रजिस्ट्रेशन। अब इस पर जाएंगे ऑनलाइन अप्लाई, एप्लीकेशन पर जाना है, एप्लीकेशन पर जाकर अप्लाई करना है फ्रेंड्स। यहाँ पे हमें एडवर्टाइजमेंट डेट नंबर डालना है 02/2022, NRB डालना है। पोस्ट जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो पोस्ट डाल देना है। जैसे मुझे वर्क असिस्टेंट पे करूँगा तो मैं वर्क असिस्टेंट ए अप्लाई कर दूँगा इस पे। यहाँ पे आपको फ्रेंड्स आधार कार्ड डालना है, आधार कार्ड नंबर डालना है, यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, सरनेम सब कुछ कैपिटल लेटर में भरना है फ्रेंड्स। राष्ट्रीयता नेशनलिटी इंडियन, INDIAN इंडिया डालना है। आप किस रीजन से, धर्म आपको अपना धर्म डालना है, हिंदू है हिंदू डालना है, अदर है तो अदर डालना है और इसको मैंने यहाँ पे फिल कर देना है फ्रेंड्स। डेट ऑफ बर्थ हमने रजिस्ट्रेशन भरी थी ऑटोमेटिक आ गई है फ्रेंड्स। आपको अपना जेंडर चूज करना है, मेल है फीमेल, वैवाहिक स्टेटस मैरिटल है अनमैरिड में सिंगल, सिंगल मैरिड है मैरिड डाल देंगे फ्रेंड्स। इसके बाद आप यदि पिछड़े वर्ग से हैं तो वो डाल दें, ST OBC मैं नहीं हूँ तो नो कर देंगे फ्रेंड्स। अब आर्थिक EWS है आपके पास तो EWS में यस करेंगे और नहीं है तो नो कर देंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे आपके आप जम्मू कश्मीर के आदिवासी हैं
है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है फ्रेंड्स। क्या आपके 1984 के दंगों में मरने वालों के परिवार से हैं, सदस्य हैं तो यस करना है, अदरवाइज नो कर देना है फ्रेंड्स। अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, यस करना है, अदरवाइज नो कर देना है फ्रेंड्स। शारीरिक रूप से विकलांग हैं तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है, यस करना है। बाकी आपको डिटेल लगानी है, क्या परसेंटेज है क्या नहीं है, यहाँ पे आपको अपना फिजिकली हैंडीकैप टाइप चूज करना है फ्रेंड्स। और इससे मैं नहीं हूँ तो मैं नो करूँगा, अगर फिर यहाँ पे कोई डिटेल आपको फील नहीं करना। और आप फिजिकली हैंडीकैप हैं तो यहाँ पे अपना चूज करेंगे, टाइप चूज करेंगे, नेचर डालेंगे और अपना परसेंटेज डालना है। यदि आप एक सर्विस मैन है तो यस करेंगे और अपना सर्विस नंबर और टाइप डालेंगे फ्रेंड्स। मैं नहीं हो तो नो डालना है। आप केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कर्मचारी हैं तो यस डालना है, अदरवाइज नो डाल देना है फ्रेंड्स। आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो यस करना है, अदरवाइज नो कर देना और आगे सेव करके ड्राफ्ट करके सेव कर देना है फ्रेंड्स। रीड करने के बाद कंटिन्यू करेंगे, आपको अपना एड्रेस डालना है। यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट डालना है, आपको अपना स्टेट डालना है फ्रेंड्स, पिन कोड डालना है, यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे सेम है तो सेम एड्रेस, कोरोस्पोंडेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम पे क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। यदि आपको कोई रिलेटिव है, पहले से कार्य करता है तो यहाँ पर आपको रिलेशनशिप, रिलेटिव का नाम, रिलेशनशिप, यूनिट कौन सी यूनिट में है, किस पोस्ट से है वो क्लिक करना है और आगे सेव कर दे। उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन फिल करना है, जैसे मैंने 10th का भरा है तो 10th का अपना बोर्ड डालना है, जो भी अपना बोर्ड है, जैसे मेरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान है, पासिंग ईयर डाल देंगे फ्रेंड्स, सब्जेक्ट टाइप डाल देंगे, विद मैथ एंड साइंस है बिल्कुल विद, और मैथ और साइंस 10th में सबके पास होता है। आपके मार्क मैक्सिमम कितने मार्क का पेपर था, आप कितने आपके मार्क आए, ड्यूरेशन ऑफ ईयर डाल देना कितने ईयर का आपका एक वो रहता है, और फेल है पास रिमार्क डाल देना है फ्रेंड्स। यदि आप कोई वर्तमान पढ़ाई या कोर्स कर रहे हैं तो यहाँ पे फिल कर देंगे, सेलेक्ट करके करेंगे यहाँ पे और अपना डिटेल फिल कर देंगे फ्रेंड्स। अब कोई आपको एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस डालना है, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर जो इसके सेक्टर में है फ्रेंड्स तो अपना डाल देना है, अदरवाइज छोड़ देना है। यदि आपके पास कोई अदर सूचना है, वर्किंग वाइज कंटिन्यू, तो यहाँ पे आपको डालना है, अदरवाइज छोड़ देना, सही वो कर देना है फ्रेंड्स और आगे कंटिन्यू कर देना। यहाँ पे आपको अपना फोटो, और मेरे पहले से अपलोड था तो मेरा ऑटोमेटिक आ गया है इसमें फोटो, और यहाँ पे अपलोड में कंफर्म करना है और अपलोड पे क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। ऐसे कैप्चर कोड डालना है और अपलोड सिग्नेचर कर देना है फ्रेंड्स। ये मेरा सिग्नेचर अपलोड हो गए हैं, यहाँ पे भी आपको अपलोड पे क्लिक करना है फ्रेंड्स और कंटिन्यू करना है। आपको अपनी डिटेल पूरी केयरफुली चेक करनी है, डिटेल केयरफुली चेक करने के बाद आई एग्री करना है। और तो डिटेल पे आपने कोई गलती तो मैं कुछ ना कुछ शायद जो भी डिटेल मैंने भरी हुई है सारी ठीक है वो सबमिट करना है फ्रेंड्स। उसके बाद मैक पेमेंट पे जाना है, मैक पेमेंट पे ऑनलाइन करना है, कंटिन्यू विद SBI पे से पेमेंट आपको करनी है। यहाँ पर आप जिस भी UPI भीम डेबिट कार्ड उससे पेमेंट करना चाहते हैं उसे पेमेंट करना है। आगे आपको
कैसे भी UPI ID UPI QR था, तो इस पर पे करके आगे पे कर दे। मेरे यहाँ पे QR आ गया, मैं यहाँ से पे करूँगा और फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद आप फॉर्म का प्रिंट लेके और अपने पास रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।